यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसका मेन मुद्दा आपका क्या? मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा के द्विवेदी है और ये अखिल भारतीय ब्राह्मणिकता परिषद की बैठक की कार्यक्रम है और उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जिसका विषय ये आर्टिकल 15 जो एक फिल्म 28 तारीख को रिलीज होने वाली है जून में, उसका जो ट्रेलर आया है पहला, वो समता के अधिकार के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये एक वास्तविक घटना पर आधारित बताया जा रहा है और इसमें इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मूल तथ्यों को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि उसमें आरोपी पीड़ित और उस समय के सत्ता के जो मुखिया थे वो तीनों ओबीसी समुदाय से ही, ओबीसी ट्रेड से ही आते हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पर ना सिर्फ ब्राह्मण के लड़के ऐसे शब्द उन्हें अपराधी बनाया गया है, वही दलितों की लड़कियों को दिखाया गया है कि उनका बलात्कार और हत्या, यानी कि एक जाति को लेके इसमें दिखाया गया है। इसका पूरा इसी के विरोध में आज का ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पूरा एंगल जो उन्होंने ब्राह्मण और दलित की जो राजनीति लंबे समय से चली आ रही है उन्होंने वो एंगल लिया है, जिसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते, ये स्वीकार नहीं है किसी भी तरीके से और हम विधि संवैधानिक तरीके से जितना हो सके इस फिल्म के बैन की मांग हमने की है और सभी राज्यपाल और प्रशासनिक स्तरों पर ज्ञापन भी दिया गया है और आगे अगर इस पर बात नहीं हुई तो हम आगे और भी आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। क्या ज्ञापन देकर कोई रिस्पांस मिला है? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है कि अगर संविधान सबको समान अधिकार देता है तो क्या हमारी भावनाएं नहीं है, और ब्राह्मणों को गाली देना अगर ये प्रगतिवाद प्रगतिशीलता की निशानी समझते हैं तो वो अब ये बात भी होती है। तो मैडम अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं इसमें? हमारे साथ पूरे देश से हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और हम यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे अलग अलग प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ कोई भी आपको दो व्यक्ति एक राज्य का नहीं मिलेगा, हम अलग अलग राज्यों से आए हैं और वहाँ भी जो लोग हैं वो इसमें आगे चल करके और हमारा विधि प्रकोष्ठ इस पर अभी काम कर रहा है कि अगर इसमें प्रशासन या जो फिल्म डायरेक्टर है वे नहीं सुनवाई करते तो क्या कदम आप लोग उठाने? अभी तो हमें लगता है कि हमने जिस तरीके से 200 सीआरपीसी में भी अभी ये मामला संज्ञान में दर्ज किया गया है और इसके आगे भी कुछ रेट और पीआईओ दाखिल करने वाले, तो उम्मीद है कि कम से कम न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारी बात सुनेंगे, अगर नहीं होता है तो भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे जो अधिकार है उनके तहत तो हम। अच्छा मैडम, जो आपने ट्रेलर देखा उस ट्रेलर को कितनी बार आपने देखा? ट्रेलर इनके अभी तक दो ट्रेलर रिलीज हुए हैं, उसके पहले एक टीजर रिलीज हुआ था उसको देखा है और उसमें जो सबसे ज्यादा एक बड़ी बात लग रही है कि इनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ दलित और ब्राह्मण की बात नहीं है, उसमें भगवा झंडे और दलितों के झंडे के साथ एक तनावपूर्ण माहौल दिखाया गया है। भगवा झंडा मतलब पूरे तरीके से हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो नीले झंडे उन्होंने दिखाए हैं इसका मतलब कि वो दलित को हिंदुत्व का पार्ट, हिंदुओं का पार्ट समझते ही नहीं है और ये बहुत समय से ये रणनीति अपनाई जा रही है, फॉल्स नैरेटिव डाले जा रहे हैं। इसके बाद एक और जो दूसरा मामला है कि उन्होंने कहा है कि जो अपराधी है वो महंत का बेटा है और महंत हमेशा से भारतीय सनातन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए सभी वर्गों के आस्था का केंद्र रहा है, वो किसी ब्राह्मण या किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उन्होंने सीधे सीधे हमारे उस शीर्ष पर हमला करने की सोची समझी साजिश की है। और तीसरी बात कि वहां पर उन्होंने जो पुलिस अधिकारी दिखाया है वो कहता है कि मैं किस जाति का हूं, इसका मतलब जिस व्यक्ति को यहां का कास्ट सिस्टम या सामाजिक चीजें ही नहीं पता आप उसको अधिकारी बना करके भेज रहे हो और उससे आप न्याय की उम्मीद करते हो, वो एक अपने कनिष्ठ कर्मचारी से पूछता है कि मैं कौन हूं और इसमें साफ कहा है कि आप ब्राह्मण हैं, तो फिर वो कहता है कि इसका मतलब कि अपराधी और मैं दोनों, हम दोनों एक ही हैं, तो वो कहता है नहीं आप एक नहीं हैं, आप सरयू पारेन हैं और वो कामिक उपज हैं। ये विभेद वहीं नहीं रुका, वो आकर के ब्राह्मणों को भी और अलग करने के लिए वो लोगों के दिमाग में बात डालने की कोशिश है। क्या लगता है मैडम, जिस तरीके से अभी आप ज्ञापन दे चुकी हैं, अभी बता रहे हैं कि हमने कई जगह ज्ञापन दिए हैं, तो क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई रिस्पॉन्स मिलेगा? अगर ये चीजें सोसाइटी में जाती हैं, जागरूकता आती है और भी लोग जिस तरीके से इस मुहिम से हम लोग पिछले 10-15 दिनों से जो भी चल रहा है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए यहाँ सपोर्ट करने और भी लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मुहिम को गति मिलेगी और हम भी ऐसे ही भारत के नागरिक हैं तो हमारे भी संवैधानिक अधिकार हैं और हमारी भी भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं का सम्मान तो होना चाहिए।